गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, उसी वाइज हमें नीचे के सम्स करने हैं। तो फर्स्ट वन सम्स है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शूट चंद्रपोल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड द हाई जंप। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है और यहाँ पे चंद्रपोल का जंप का मीटर सेंटीमीटर में हमें देखना है। तो इसी हिसाब से हमें पहले क्या है, चंद्रपोल का मीटर जंप कितना है 2.17 मीटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 2.45 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये है 2.45 सेंटीमीटर और ये छोटा है। तो हमें माइनस का सम करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में से हमें जो इंडियन रिकॉर्ड है वो माइनस करना है, तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड वन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शूड अंजू जी जंप टू इक्वल द वुमन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। तो इसमें भी हमें अंजू जी का हमें ढूंढना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और बाद में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो और अंजू जी का जो रिकॉर्ड है वो हमें जो बड़ा है उसमें से हमें छोटा माइनस करना है। तो ये दोनों में माइनस के सम होंगे। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बी बॉबी ए जंप टू रीच अ 2 मीटर्स। तो यहाँ पे हमें 2 मीटर में से जो अंजू जी का है, सॉरी बॉबी ए का है, वो हमें माइनस करना है। बॉबी का हमें 2 मीटर में से माइनस करना है। तो फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रहेगा, मतलब इसमें भी हमें माइनस का सम्स करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप फॉर मैन। डिफरेंस है तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, माइनस। वर्ल्ड रिकॉर्ड में से हमें इंडियन रिकॉर्ड माइनस करना है। फिर फिफ्थ वन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शूड अमृतपाल जंप टू रीच 9 मीटर्स इन लॉन्ग जंप। यहाँ पे जो अमृतपाल का जो मेजरमेंट है वो हमें 9 मीटर में से माइनस करना है। फिर सिक्स्थ वन, गलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो गलीना का लॉन्ग जंप कितना है 7.52। तो इसमें से हम नियरली कौन सा है 8.5, 8 मीटर 7.5 के 7, तो ये तीनों रॉन्ग आंसर है और ये एक राइट आंसर है 7.5 मीटर। फिर सेवन्थ वन, इन द वुमन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। वुमन्स के लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड माइनस इंडियन रिकॉर्ड। फिर एट्थ वन, इन द मेंस इंडियन रिकॉर्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। यहाँ पे हमें मेंस का लॉन्गेस्ट माइनस हाईएस्ट करना है, तो इसमें भी हमें माइनस का सम करना है। फिर नाइन्थ वन, इन द इंडियन रिकॉर्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट जंप एंड बिटवीन द हाईएस्ट जंप ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के जो जंप के मेजरमेंट है उसमें से हमें माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैन का बड़ा है 2.17, तो हमें 2.17 में से 1.91 माइनस करना है। फिर टेंथ वन, हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर किसका है, तो यहाँ पे देखिए स्टेफ का, तो स्टेफ का कितना है 2.9। फिर चंद्रपोल का है 2.17, जेवियर का है 2.14 एंड बॉबी का है 1.91। तो इसमें सबसे ज़्यादा करीब कौन है, तो जेवियर्स एस। फिर इलेवंथ वन, हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्गर शूड माइक पी जंप टू रीच 9 मीटर्स। तो हमें यहाँ पे देखना है माइक पी का मेजरमेंट कितना है 8.95, तो हमें 8.95 को माइनस करना है 9 में से।
9 में से हमें 8.95 माइनस करना है। फिर है 12th वन, इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ मैन एंड वुमेन। हमें यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैन और वुमेन के मेजरमेंट माइनस करने हैं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें सारे सम माइनस के ही हैं। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, कैलकुलेट द सम एंड कंप्लीट द टेबल, राउंड टू राउंड द कंप्लीट द डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल मेजरमेंट है वो है 800 और यहाँ पे फील्ड है वो 200 200 200 एंड 200। तो इन चारों 200 प्लस 200 400 400 प्लस 200 600, तो 600 प्लस 200 800। तो हमें यहाँ पे एक ही राउंड लगाना पड़ेगा, तो ये कितना मेजर हो जाएगा हमारा 800। तो फर्स्ट वन का आंसर आएगा 1। फिर है सेकंड, तो पहले हमें यहाँ पे ये चारों के प्लस करने, तो ये चारों के प्लस कितने होते हैं 100 100 100 और 100, तो ये चारों के प्लस होते हैं 400। तो अभी हमें 2000 में से 400 डिवाइड करने हैं, तो 0000। फिर यहाँ पे 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आते हैं 5 में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। फिर है थर्ड वन, तो यहाँ पे टोटल ही 200 है, तो हमें 1000 में से 200 माइनस करने हैं, तो 00 कट हो जाएगा 00, और 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आएंगे 5, तो थर्ड का आंसर भी आएगा 5। फिर है फोर्थ वन, तो पहले हम इन चारों का प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 300 प्लस 300 600 600 प्लस 400 1000, तो हमें 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 0000000, तो क्या बचा ओनली 2, तो इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 2। ओके, अभी हम पीछे करते हैं, तो पीछे है पहले इन सब का हमें प्लस कर लेना है। देखिए क्या है, 25 25 25 प्लस 25 500, यहाँ पे भी ये दोनों करेंगे तो 500, तो टोटल हुए 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2000। अगर हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें जो राउंड लगाने हैं वो ये लास्ट लाइन में वो करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, 400 प्लस 400 800, और 800 प्लस 200, तो यहाँ पे आएगा 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 2000। ओके, तो ये है यहाँ पे 2500, तो यहाँ पे हमें लास्ट वन फाइंड करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 00 कट, और 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आते हैं तो 5। फिर यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो 200 प्लस 200 400, और ये 100 साथ में करेंगे तो 500। अभी यहाँ पे हुए 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 200। फिर ये लास्ट वन, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 500। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको एक मैप दिया गया है और मैप वाइज आपको आंसर लिखने हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये आपको चार विलेज दिए गए हैं, और विलेज में जो सेंटर में है वो विलेज ए है। अभी यहाँ से हमको सारे आंसर लिखने हैं, तो हाउ फॉर इज विलेज बी फ्रॉम ए, तो बी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये रहा बी और ए के बीच में 25 किलोमीटर। फिर है सेकंड नंबर का, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन विलेज बी एंड सी, तो यहाँ पे विलेज बी एंड सी, यहाँ पे विलेज बी और सी 25 प्लस 15 कितने हुए 40 किलोमीटर। सेकंड का आंसर आएगा 40 किलोमीटर। इसी वाइज आपको ये सारे सम कंप्लीट करने हैं देख देख के ही। फिर ये नीचे टेस्ट योर सेल्फ, तो इसमें फर्स्ट वन है पोल ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ पोल बी, पोल सी इज 260 सेंटीमीटर्स और शॉर्टर देन पोल ए, इफ पोल सी इज 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 3 poles, तो इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले वो पोल ए इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ पोल बी,
तो इसमें हमें पहले प्लस करना है और फिर बाद में माइनस करना है। तो ये भी आपको जो MCQs है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। फिर है लास्ट में, देखिए यहाँ पे भी नीचे है लेट्स डू होमवर्क, ये चार MCQs है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए लेट्स डू होमवर्क, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाउ लॉन्ग इज़ द मेजरिंग स्केल गिवन बिलो, तो यहाँ पे स्केल हमें कितने मेजर की दी गई है, तो 6, तो यहाँ पे हमें लिखना है 6 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन विच यूनिट विल यू मेजर, तो हम कौन से, यहाँ पे नीचे अलग अलग थिंग्स दी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम मीटर में देखते हैं, सेंटीमीटर में देखते हैं, किलोमीटर में। तो फर्स्ट वन है लेंथ ऑफ सारी, तो सारी की लेंथ किस में आती है, मीटर। फिर है सेकंड वन हाइट ऑफ वॉल ऑफ क्लासरूम, तो क्लासरूम की जो वॉल होती है वो किसकी मेजरमेंट में हम लेते हैं, तो वो भी आती है मीटर। फिर है लेंथ ऑफ फ्लूट, तो वो आती है सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हाउस, तो वो आती है मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक्स ऑफ रेलवे लाइन्स, रेलवे लाइन्स मतलब ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो इसमें आएगा किलोमीटर, सॉरी ना टू ट्रैक्स ऑफ रेलवे लाइन, तो दो पट्टी के बीच में कितनी जगह होती है तो उसमें आएगा मीटर। फिर है सिक्स्थ वन लेंथ ऑफ रेलवे लाइन, लेंथ ऑफ रेल, तो फिर इसमें भी आएगा मीटर। फिर है सेवन्थ डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन टू अनदर रेलवे लाइन, तो इसमें आएगा किलोमीटर। और डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, तो वो भी आएगा किलोमीटर। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। और नीचे है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको मेजर करना है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टिक बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको पहले तो स्केल से आपको इसको मेजर करना है, फिर यहाँ पे इसके 2 सेंटीमीटर हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक निशान लगाना है, ठीक है। उसी वाइज ये देखिए किसी में 4 सेंटीमीटर है, फिर दूसरा नीडल है उसको डबल करना है, इसी वाइज ये आपको सारे कंप्लीट करने हैं। फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, तो इसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज नियर टू द फिनिशिंग लाइन, तो फिनिशिंग लाइन के नियर कौन है, तो ये है टॉर्टोइज। और एट हाउ मच डिस्टेंस, तो आएगा 3 मीटर। फिर है सेकंड वन हु इज़ द फार ऑफ फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन से दूर कौन है, तो ये है रैबिट। और कितने सेंटीमीटर, तो क्या आएगा आंसर, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो इसका आंसर आएगा 7 मीटर। फिर है हाउ मच फार इज़ द रैबिट फ्रॉम द टॉर्टोइज, तो रैबिट और टॉर्टोइज के बीच में कितना है डिस्टेंस, 4 मीटर, ओके। फिर है यहाँ पे फिफ्थ वन एट 26 मीटर एंड 57 सेंटीमीटर एंड 48 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर, तो इसमें आपको प्लस करना है और इसमें आपको प्लस का सम्स करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा है और यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेज ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो, इसमें भी आपको यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है उसी में से देख देख के आपको सारे ये सम्स करने हैं। तो यहाँ पे थर्ड वन क्या है, हाउ मच द टोटल डिस्टेंस, टोटल है मतलब इसमें प्लस करना पड़ेगा। फिर है पीछे व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, इसमें भी टोटल है तो इसमें युवराज और विराट का है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। फिर है हाउ मच लॉन्ग इज़ द सिक्स हिट बाय सहवाग एंड विराट, तो हमें इसमें सहवाग और विराट का जो डिस्टेंस है उसे माइनस करना पड़ेगा। फिर है सिक्स्थ वन हाउ मच शॉर्ट, मतलब इसमें भी हमें माइनस करना पड़ेगा, किसका, तो सचिन एंड युवराज का। फिर है सेवन्थ वन द टोटल डिस्टेंस, मतलब इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, तो किसका, टू प्लेयर इज़ द मोस्ट, जो जिसने सबसे ज़्यादा किए हैं वो टू प्लेयर्स मतलब सहवाग और युवराज का। फिर है एट्थ वन द टोटल डिस्टेंस ऑफ सिक्स इज हिट बाय विच टू प्लेयर्स एट द लिस्ट, जो जिसने टोटल मतलब प्लस करना है और इसका प्लस करना है, तो जिन दो प्लेयर ने कम बनाए हैं, तो सचिन और विराट, इन दोनों का हमें प्लस करना है, इसी वाइज हमें ये सारे कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है। और इसमें आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और ये होमवर्क करके आपको मुझे शाम तक इसके फ़ोटो भेजने हैं। थैंक यू।